सीएम योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी को लेकर के 1 फरवरी को सपा नेता महेंद्र चौहान की पिटाई के बाद जनपद में राजनीति गर्म है। सपा के नेता भगवाधारी लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अब विश्व हिंदू महासभा भी सपा नेता महेंद्र चौहान पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। ये लोग कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच करके सपा नेता पर FIR दर्ज कराने की मांग किए। हम लोग कलेक्ट्रेट परिसर में आए थे, तब तक एक शरारती तत्व मिल गया जिसका हमको नाम भी नहीं पता था उस समय कि कौन है। योगी जी पर अभद्र टिप्पणी कर रहा था, जिसकी हम लोग कड़ी हमारी ही प्रतिक्रिया रहे। हमने विरोध किया, विरोध करने के बाद मामू की भद्दी भद्दी और भी गाली देने लगा, तो जिसके संबंध में हम लोग आए हैं, सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिए कि 4 दिन के अंदर में उसके खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी नहीं की गई तो विश्व हिंदू महासंघ जनपद मऊ के कार्यकर्ता जनपद के हर कोने कोने में प्रदर्शन करेंगे। तो FIR किसके खिलाफ हुई है अभी तक? अभी तक 4 लोगों का नाम दिया गया है। कौन कौन है वो 4 लोगों का नाम? में एक सुजीत सिंह है, देवेंद्र सिंह है, हमारा भी जिसमें नाम दिया गया है, मनोज श्रीवास्तव जी का भी दिया गया है। यूपी में आपकी सरकार है और जो पुलिस प्रशासन है वो आपकी न सुन के सफाइयों की सुनी और उनपे मुकदमा दर्ज कर दिया, क्या कहेंगे? यही तो दुर्भाग्य है, इसीलिए तो हम मांग करने के लिए आए कि शांतिपूर्वक हमारी बातों को सुना जाए। यदि नहीं सुना गया तो उसके संबंध में हमने ज्ञापन अवगत कराई दिया अधिकारियों को। बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी क्या लगता है।